आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। समीकरण लॉग वर्गमूल x जमा वर्गमूल x घटा 1 का मॉडुलस आधार 3 बराबर लॉग 4 वर्गमूल x घटा 3 जमा 4 वर्गमूल x घटा 1 का मॉडुलस आधार 9 को x के लिए हल कीजिए। इसमें हम सबसे पहले किस प्रकार लिखेंगे इसे, लॉग वर्गमूल x जमा मॉडुलस वर्गमूल x घटा 1 बटे में लॉग 3 बराबर इसे भी लॉग ब्रैकेट 4 वर्गमूल x घटा 3 जमा 4 मोड वर्गमूल x घटा 1 और बटे में लॉग 9। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि लॉग a आधार b बराबर होता है लॉग a बटे लॉग b। अब यदि हम देखें तो लॉग 9 का मतलब क्या होता है, लॉग 3 की घात 2, क्योंकि 9 का मतलब 3 की घात 2 होता है। और इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 लॉग 3, क्योंकि लॉग a की घात b बराबर b लॉग a होता है। तो इस प्रकार यदि हम लॉग 9 की जगह पर 2 लॉग 3 लिखें तो क्या आ जाएगा, लॉग वर्गमूल x जमा मोड वर्गमूल x घटा 1 बटे में लॉग 3 बराबर लॉग 4 वर्गमूल x घटा 3 जमा 4 मोड वर्गमूल x घटा 1 बटे में 2 लॉग 3। और यहां से लॉग 3 से लॉग 3 कट जाएगा और हम इस 2 को बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 लॉग वर्गमूल x जमा मोड वर्गमूल x घटा 1 बराबर लॉग 4 वर्गमूल x घटा 3 जमा 4 मोड वर्गमूल x घटा 1। अब हम इस 2 को इस ब्रैकेट की घात में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास b लॉग a बराबर ये होता है। तो इस प्रकार अब क्या आ जाएगा, लॉग वर्गमूल x जमा मोड वर्गमूल x घटा 1 और इस पूरे की घात 2 बराबर लॉग 4 वर्गमूल x घटा 3 जमा 4 मोड में वर्गमूल x घटा 1। अब हम यदि दोनों पक्षों की तुलना करें तो क्या आ जाता है, वर्गमूल x जमा वर्गमूल x घटा 1 का मोड उसका वर्ग बराबर 4 वर्गमूल x घटा 3 जमा 4 मोड में वर्गमूल x घटा 1। अब हमारे पास यहां से इसके दो तरीके से हल निकलेंगे। एक बार तो यदि हमारे पास वर्गमूल x घटा 1 शून्य से बड़ा हो और दूसरी बार में वर्गमूल x घटा 1 शून्य से छोटा हो तो क्या होगा, वर्गमूल x जमा वर्गमूल x घटा 1 उसका वर्ग बराबर में 4 वर्गमूल x घटा 3 जमा 4 वर्गमूल x घटा 4 ये आ जाएगा। और यदि इसे हल करें तो क्या आ जाएगा, 2 वर्गमूल x घटा 1 उसका वर्ग बराबर 8 वर्गमूल x घटा 7। अब हम इसका सूत्र खोलें तो 4x जमा 1 घटा 4 वर्गमूल x बराबर 8 वर्गमूल x घटा 7 ये आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 4x घटा 12 वर्गमूल x जमा 8 बराबर 0 और 4 से भाग करें तो x घटा 3 वर्गमूल x जमा 2 बराबर 0। और यहां से x को वर्गमूल x का वर्ग लिख सकते हैं और इसके यदि हम गुणनखंड करें तो 2 वर्गमूल x घटा वर्गमूल x जमा 2 बराबर 0 क्या गुणनखंड हो जाएंगे, वर्गमूल x घटा 2 और वर्गमूल x घटा 1 बराबर
तो इस प्रकार वर्गमूल x बराबर 2, वर्गमूल x बराबर 1, तो यहां से x बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा। और यदि हम वर्गमूल x घटा 1 को शून्य से छोटा रखें तो क्या आ जाएगा, हम इसे यहां बराबर भी लेकर चलें तो क्या होगा, यहां हमारे पास वर्गमूल x घटा वर्गमूल x जमा 1 पूरे का वर्ग हो जाएगा बराबर 4 वर्गमूल x घटा 3, और यहां से क्या आ जाएगा घटा 4 वर्गमूल x जमा 4, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 बराबर 1। मतलब यदि x का मान हम यहां से देखें तो क्या बनता है, वर्गमूल x छोटा है या बराबर है 1 से। यदि वर्गमूल x 1 से छोटा या बराबर हो तो हमेशा यह इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि 1 बराबर 1 हमेशा सत्य है। अब यदि हम देखें तो वर्गमूल x 1 से छोटा या बराबर है तो x क्या होगा, वो भी 1 से छोटा या बराबर होगा और शून्य से बड़ा या बराबर होगा। तो अब यदि हम देखें तो x का हल क्या आया, यहां से x का मान हमारे पास शून्य से 1 के बीच में या फिर इन दोनों में से कोई भी मान हो सकता है, और एक x का मान ये आया है 4। तो इस प्रकार x के मान हमारे पास इस तरीके से निकल जाते हैं। यह हमारे पास इस समीकरण का हल है, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है, जो कि हमसे पूछा गया था x का मान क्या होगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।